हम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस जगह जो विक्टिम्स हैं यहाँ पे जो बार पीड़ित हैं, क्यों करना पड़ रहा है आपको, क्या जरूरत है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में आजकल बाढ़ आई हुई है, तो यमुना के किनारे के जो क्षेत्र हैं तो उसके अलावा दिल्ली करीब करीब पूरी ही प्रभावित है। यहाँ आप देख रहे हैं मयूर विहार के पुल के नीचे खड़े हैं, तो लोग यहाँ पर खुले में रहने को मजबूर हैं। इनके किचन के बर्तन भी आप देखिए, पानी की बड़ी समस्या है, सफाई की समस्या है, इस वजह से हम पैक्ड फूड जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं क्योंकि कम्युनिटी वर्कर हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे पास है कि फूड कम से कम खाना जो बेसिक है वो जरूर लोगों तक पहुँचे। से कितने लोगों को आप फूड आप देते हैं? अभी आज जो मैं आई हूँ वो IWC नोएडा की तरफ से आई हुई हूँ, मेरी टीम भी मेरे साथ है। आप ऋतु देना हमारी है, मैंने सुबह सुबह मुझे कहा कि आप ज़रूर चलना है, मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर चलेंगे। तो हम चार लोग यहाँ पर आए हैं, वहाँ से हम गीता कॉलोनी के यहाँ से पहले हमने गीता कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर हमारे पास कुछ फूड बचा था तो हमने कहा इधर भी, हम यहाँ से जब जा रहे थे तो हमने रास्ते में देखा था कि ये लोग यहाँ थे, तभी हमने तय कर लिया था कि इनको भी देंगे, इसलिए हम यहाँ से भी यहाँ पर। और मैं कर्तव्य हेल्थ एंड हाइजीन से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग का ज़रूर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एड जो है वो मुझे लगता है पूरे भारत वर्ष में प्रमोट करना चाहिए। अब ये जितने लोग यहाँ पर हैं इनको सबको फर्स्ट एड आना चाहिए कि डॉक्टर के पहुँचने से पहले अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है उसको कैसे डील किया जाए। इसमें मैं काम करती हूँ और मैं 22 जुलाई को एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हूँ, जीवन बचाओ प्रोजेक्ट नोएडा में लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें फ्री में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सभी को पूरे नोएडा में। मैं डॉक्टर लीना चौहान, कर्तव्य हेल्थ एंड हाइजीन। थैंक यू।